हेलो फ्रेंड्स, रेपो दूरबीन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में, यानी कि बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में जो पाया जाता है कैंसर उसके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चेदानी के निचले हिस्से में, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर पाए जाने वाले कैंसर के बारे में, जिसे सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। मैं समझती हूँ कि कैंसर के नाम से आप सभी को बहुत डर लगता है और सबको लगता है कि कैंसर कहीं मुझे ना हो जाए, क्योंकि ये समझा जाता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। बट आपको ये पूरा वीडियो जब आप पूरे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस कैंसर को बचाने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, और ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिसको साल में सिर्फ एक बार कराने से आप इस टेस्ट से बची रह सकती हैं। और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैंसर होने वाला है, तो आप होने वाली स्थिति में ही अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा लेंगी तो 100% इलाज संभव है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आपको आज बताने जा रही हूँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारत में महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर लीड करता है, यानी कि टोटल कैंसर जो महिलाओं में होते हैं उसका 80% कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। और दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य पता है क्या है, सर्वाइकल कैंसर को एक वैक्सीन से बचाया जा सकता है, यानी कि भारत में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है। फिर भी सबसे कॉमन है, 80% कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। तीसरी आश्चर्यजनक बात पता है क्या है कि इस जो कैंसर को बचाने के लिए वैक्सीन के साथ साथ टेस्ट भी अवेलेबल हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो इस चित्र में आप देख पाएंगे कि दिस इज अ यूट्रस, और ये निचला हिस्सा है इसको सर्विक्स कहते हैं, यानी जो बच्चेदानी का मुंह है उसे सर्विक्स कहते हैं। ये वजाइना के अंदर खुलता है, और जब इसके आउटर लेयर पे और इनर लेयर की सेल्स का ग्रोथ एक्सपोनेंशियली, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती है, कैंसर की तरफ बढ़ने लग जाती है, तो इसे सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। और जब ये कैंसर की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो यहाँ पे खून की नलियां, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो जाती है, जो जरा सा टच करने से ब्लीड कर जाती है। यानी कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी जस्ट इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई डॉक्टर आपका टेस्ट लेता है या चेक करता है नीचे से तो भी उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इस सेल से काफी सारा पानी जैसा बदबूदार डिस्चार्ज बनने लगता है, और जिससे कि इन्फेक्शन होने लगता है, तो आपको काफी वाटरी डिस्चार्ज होने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं मुझे कैंसर की बीमारी तो नहीं है। बदबूदार डिस्चार्ज और इररेगुलर ब्लीडिंग के साथ में, यानी कि महीने में कभी भी ब्लीडिंग होना या इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग होना, इन दो मुख्य सिम्टम्स के साथ में कई बार कुछ बच्चेदानी के रास्ते से, वजाइना से कुछ मांस जैसा या कुछ ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या बाहर निकला हुआ दिखाई दे सकता है, जिसे कि पॉलीपॉइडल ग्रोथ कहते हैं। और ये कैंसर के सेल से होती हैं जो निकलकर बाहर तक आ जाती हैं, तो उसमें भी कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर का खुलासा या कंफर्मेशन बिना बायोप्सी रिपोर्ट के कभी नहीं होता है। हाँ, हम अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हाई रिस्क काउंट कर सकते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, बट जब तक कि सेल्स की बायोप्सी नहीं हो जाती तब तक कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको कैंसर है। यदि आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग इररेगुलर है, बहुत ज्यादा गंदा बदबूदार पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तीसरा कोई ग्रोथ नजर आ रही है, या आपको हस्बैंड से मिलने के बाद में इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ हाई रिस्क फॉर द सर्वाइकल कैंसर। सो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप जरूर करवाइए। डॉक्टर आपका नीचे से जांच करेगा और आपको बताएगा कि कहीं कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या कोई सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम हैं या नहीं है। और देखने के साथ ही वो एक टेस्ट भी लेते हैं जिसे पैप्समियर कहा जाता है। ये पैप्समियर ओपीडी में ही ले लिया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। और जब पैप्समियर का रिपोर्ट आपको एक कन्फर्मेशन दे सकता है कि आपको कैंसर की कितनी संभावना है या नहीं है। इसके साथ में एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि नीचे से एक सोनोग्राफी भी की जा सकती है, जिसने भी ये आइडिया लगता है कि कहीं कैंसर की कोई संभावना है या नहीं है। और अगर बार बार जांच करने के बाद में भी ये लगता है कि कैंसर हो सकता है बट दिख नहीं रहा या समझ में नहीं आ रहा, तो एक कॉल्पोस्कोपी करके जाँच होती है। कॉल्पोस्कोपी सर्वाइकल जो एरिया है उसकी दूरबीन से जाँच होती है, यानी माइक्रोस्कोप टाइप का, से बड़ा दिखता है, मैग्निफाइड दिखता है, और उस पर एक तरह का आयोडीन और एक दवाई लगाकर ये चेक किया जाता है कि इसमें कहीं कैंसर के सेल्स तो नहीं है। और उसमें जो एबनॉर्मल एरिया दिखता है फिर वहां से बायोप्सी ली जाती है, जिससे कि एग्जैक्टली कंफर्म किया जा सके कि कैंसर की संभावना है या नहीं है।
क्योंकि कैंसर का सबसे अच्छा इलाज बिल्कुल शुरुआती अवस्था में हो सकता है। अगर आप इस स्थिति में लेट हो जाते हैं तो हो सकता है कि कैंसर लाइलाज हो जाए, बट मैं एक कंफर्म कह सकते हैं कि अगर ये स्टेज वन और स्टेज टू में है तो डेफिनेटली इसका 100% इलाज संभव है और इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना होता है, जिसमें परस्पेक्लम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, दूसरा इसमें पैप्समेयर करवा सकते हैं, तीसरा सोनोग्राफी हो सकती है और चौथा कोल्पोस्कोपी हो सकती है। इन चार तरीकों से हम कैंसर के बारे में कंफर्म कर सकते हैं और कहीं पे भी कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आती है तो एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट हमें बायोप्सी करवानी होती है, जिसमें टुकड़े की एक जांच ली जाती है, टुकड़ा लिया जाता है और फिर उसको बायोप्सी के लिए, जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि कैंसर है या नहीं है। अब आपके दिमाग में एक अगला सवाल ये आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी लेडीज हैं जिनमें कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, कहीं आप उस कैटेगरी में फिट तो नहीं होती है कि जिनको कैंसर होने की संभावना है। तो अभी हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको कि किस किस लेडीज में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना होती है। इनमें सबसे कॉमन आता है कि अगर आपने बाल विवाह हो गया है, यानी कि आपका 20 साल से या 18 साल से कम की उम्र में आपकी शादी हो गई है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की शादी होने के मतलब ये है कि अगर 18 साल से पहले आपका इंटरकोर्स करते हैं तो आप एक सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क पर आ जाते हैं। दूसरा, अगर आपकी डिलीवरी 20 साल से पहले हुई है, यानी कि आपने बच्चे जल्दी पैदा करने शुरू कर दिए हैं, तो भी आप सर्वाइकल कैंसर की हाई रिस्क पे आती हैं। तीसरा, अगर आपके बच्चों में स्पेस कम है और आपने जल्दी जल्दी बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं तो भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि इन सब चीजों के साथ में आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डाउन आता है और हाइजीन पुअर हो जाती है, और हाइजीन पुअर होने के साथ में ही वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ये एक तरीके का वायरस है जो एक कैंसर कॉज करता है, जिसको HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, जिसके इन्फेक्शन के कारण कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपके पार्टनर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, आपको अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कोई तो भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और इसके साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये तीनों चीजें ही आपको इलीगल एक तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इंडल्ज करती हैं, जो कि अनसेफ इंटरकोर्स के लिए प्रमोट करती हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। और इसके अलावा एक चीज और है कि अगर आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, यानी कि एड्स है या HIV है, या आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली मेडिसिन पर हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद में किसी किसी पेशेंट को इम्यूनिटी डाउन करने की मेडिसिन दी जाती है, तो उसकी वजह से भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप इन किसी एक कैटेगरी में फिट होती हैं तो आप अपना जरूर ध्यान रखिए, और आगे के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस कैंसर से अपना बचाव कैसे करें, इस कैंसर को अच्छे से बचाया जा सकता है। आप अपनी डॉटर्स को वैक्सीन लगवा सकती हैं, जिससे कि इस कैंसर का काफी हद तक 65-70% तक प्रोटेक्शन संभव है। ये वैक्सीन, तीन वैक्सीन लगती हैं, 0, 1 और 6, यानी कि एक जिस महीने आपने लगाया पहला 0 डोज, दूसरा डोज आपका लगेगा 1 महीने बाद और तीसरा डोज लगेगा 6 महीने बाद। इस तरीके से 3 डोज के साथ में आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और ये वैक्सीन जितना जल्दी लग जाए उतना ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, और जनरली ये इंटरकोर्स से पहले लग जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले आपको पता नहीं था और आपने नहीं लगवाया, तो जब भी आपको पता चलता है और जब भी आप हमारा ये वीडियो देख के इसके लिए अवेयर होती हैं कि कैंसर का वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप किसी भी एज में इसको लगवा सकती हैं। हाँ, प्रोटेक्शन थोड़ा कम जरूर होगा, बट होगा जरूर। इसलिए अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो अपना वैक्सीन जरूर लगवा लें। दूसरा प्रोटेक्शन का रास्ता है कि अगर आप जितने भी हमने ये हाई रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, यानी कि बच्चों की जल्दी शादी नहीं करना, जल्दी बच्चे पैदा ना करना, जल्दी बच्चे पैदा नहीं करना, दैट मीन्स कि बच्चों के बीच में स्पेस इंटरवल रखना, कम से कम 3-5 साल का गैप रखना, और अपनी हाइजीन अच्छी रखना, पार्टनर्स लिमिटेड रखना, और किसी भी ड्रग्स और स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना, ये सब आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना ध्यान रख पाएंगी तो आप अपने आप को कैंसर से जरूर बचा पाएंगी। इसके साथ ही एक सालाना हेल्थ चेकअप, जिसका मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी, कि सालाना हेल्थ चेकअप अपना और अपनी फैमिली का जरूर करवाइए। और जब आप ये सालाना हेल्थ चेकअप करवाती हैं तो उसमें पैप्समियर को जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि पैप्समियर ही वो टेस्ट है जो आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। ये आपको बिल्कुल शुरुआती अवस्था में, यानी कि संभावना, कैंसर होने की संभावना को जताता है कि आपको कैंसर होने की संभावना कितनी है।
तो आप उस रोग से अपना बचाव कर सकते हैं। इस तरह के टेस्ट बहुत कम कैंसर्स के लिए अवेलेबल हैं, और यही कारण है कि फॉरेन कंट्रीज में सर्वाइकल कैंसर का ग्राफ बिल्कुल काफी नीचे आ गया है, और इंडिया अभी भी इसमें टॉप कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है। लेडीज अपने हेल्थ के लिए अवेयर बहुत ही नेग्लिजिबल रहती हैं, उनको अपनी फैमिली की चिंता बहुत ज्यादा रहती है और अपने स्वास्थ्य की चिंता बहुत कम रहती है। बट आपको ये समझना जरूरी है कि आप ही अपने परिवार की धुरी हैं, और आप जब तक स्वस्थ नहीं होंगी आपका परिवार स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए अपना हेल्थ चेकअप आप जरूर करवाइए, और अपने साथ अपने परिवार का भी हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। और जब आप टेस्ट करवा रही है तो साथ में एक सालाना एक सोनोग्राफी भी जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जब आप सोनोग्राफी करवाती हैं तो आपको यूट्रस के अदर कैंसर्स के बारे में, यानी एंडोमेट्रियल कैंसर्स के, ओवेरियन कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, और किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या गांठ होने का सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए सोनोग्राफी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि महिलाओं में मुख्यतः तीन ही तरह के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो अगर आप अपना जब डॉक्टर के पास जाके सारे चेकअप आप करवा लेती हैं, टाइम पे आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगी, तो आप अवेयर भी रहेंगी और कोई भी समस्या पैदा होने से पहले आपको पता चल जाएगा, ताकि आप उस समस्या का निदान कर पाएंगी। अब यदि किसी भी कारणवश या किसी भी कारण से आपको पता चल गया कि आपको कैंसर है, और ये कंफर्म हो गया कि बायोप्सी रिपोर्ट में आ गया है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है, तो अब क्या करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्टेज 1 स्टेज 2 में हैं, तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट, ऑपरेशन संभव है। ऑपरेशन के द्वारा पूरी बच्चेदानी और उसके आसपास का जो टिश्यू एरिया है उसको निकाला जाता है, और जितने भी कैंसर की सेल्स हैं उसको सबको साफ कर दिया जाता है, ताकि इसके होने के दोबारा होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएं। और ये ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेसफुल होते हैं, और स्टेज 1 में अगर होता है तो लगभग 80-90% सक्सेसफुल हैं, और अगर स्टेज 2 में 2A तक अच्छे से सक्सेसफुल है और इसमें ऑपरेशन संभव है, और ऑपरेशन भी दूरबीन से ही संभव है। इसमें पूरा पेट खुलवाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप दूरबीन से इस ऑपरेशन को करवा सकती हैं, जिसको लेप्रोस्कोपिक बर्दाइम ऑपरेशन या रेडिकल हिस्टेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। और जब भी अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें कि क्या ये दूरबीन से भी संभव है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन दूरबीन से कराती हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी और आप अपने परिवार की टेक केयर जल्दी कर पाएंगी। और बाय चांस अगर बाद में उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जल्दी शुरू की जा सकती है, क्योंकि अगर आप ओपन ऑपरेशन करवाती हैं तो ये थेरेपी शुरू होने में टाइम ज्यादा लगता है और आपकी रिकवरी में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ओपन सर्जरी में मॉर्बिडिटी काफी ज्यादा होती है, उसमें काफी 3 महीने तक रेस्ट करना पड़ता है और दर्द भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर ये संभव हो पाए कि दूरबीन से संभव है, आप उस स्टेज पर हैं यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, तब तक आपका ऑपरेशन दूरबीन से संभव है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर दूरबीन वाले ऑपरेशन के लिए जरूर ऑप्ट कर सकती हैं। और किसी भी कारणवश अगर आप लेट हो गई हैं और आपको पहले शुरुआती अवस्था में पता नहीं चला है और अब स्टेज 3 या स्टेज 4 में आपका कैंसर पहुंच गया है, तो ये स्थिति बहुत थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर बॉडी में फैल चुका होता है और मरीज को बचाने की संभावनाएं 50-60% पे आ जाती हैं। लेकिन हताश ना हो, इलाज यहाँ भी संभव है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है और जो अफेक्टेड एरिया है उसको सर्जरी करके निकाला जा सकता है। कीमोथेरेपी देने के बाद में या रेडियोथेरेपी देने के बाद में ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट प्लान काम करेगा, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें जब भी कोई प्रॉब्लम हो। और आपके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचाव है, जो टेस्ट हमने बचाए हैं, जो हाई रिस्क फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करती हैं तो आप अपना और अपने परिवार का इस जानलेवा कैंसर से बचाव कर सकती हैं। और अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराती हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकती हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिससे आप अपने आप को बचा सकती हैं और अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकती हैं। इसके अलावा बॉडी में होने वाली जितनी भी बीमारियां वो हेल्थ चेकअप से बचाई जा सकती हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हेल्थ चेकअप कितने इंपॉर्टेंट हैं, और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी आपको अवेयरनेस समझ में आई होगी और इसका वैक्सीन अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है, तो मैं समझती हूँ कि आप अपने फैमिली में वैक्सीन जरूर लगवाएंगी, अपना और अपने परिवार का बचाव जरूर करेंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।